Ashina, go, go. Ashina? Ashina, sir, mirza. Ashina, freeze. हम लोग के साथ यार एक यहाँ पे स्कैम हो चुका है। अब मर रहे हो क्या है? किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाहर ही खड़े थे, बिना खड़े नहीं थे भाई, खड़ाया गया था। एग्री करो तो अंदर आओ, एग्री नहीं करो तो बाहर आओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये सबूत दिया ना फोटो फोटो। हम लोग जो यहाँ पानी पी रहे हैं ना, ये बर्फ गला कर ही पी रहे हैं। रहने से ज्यादा यहाँ पे खाना महंगा है। पूरी दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ लोग रहते हैं -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रेजी भाई, क्रेजी, नेक्स्ट लेवल थी। तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड है भाई, और इतनी तेज पेन कर रहा है, पूरा लोग जम चुके हैं। दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह पे है। देखो भाई, मेरा नाम दर्ज हो चुका है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तोमतोर, ओमिया कॉन्स्की डिस्ट्रिक्ट। तो कल के दिन से मैं आज का व्लॉग आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो गाइस, हम लोग के साथ यार एक यहाँ पे स्कैम हो चुका है। लैंग्वेज भारी स्कैम भाई, बहुत भारी। भारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हुआ तो है। मतलब हम लोग को धोखा हुआ है, स्कैम नहीं हुआ, धोखा हुआ है। तो हम लोग को जाना था ओमियाकॉन। ओमियाकॉन से जस्ट पहले एक विलेज है तोमतोर, तो टैक्सी वाले ने यहाँ लाके छोड़ दिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोगों ने एगोस में बोला कि एकदम टूरिस्टी जगह है यहाँ पे, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। अब मर रहे हो क्या है, पैसे है नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और लोकल यहाँ कोई आता भी नहीं है, सिर्फ फॉरनर्स ही आते हैं। तो हम लोगों को एक विलेज पहले लाके ड्रॉप कर दिया तोमतोर में। यहाँ से ओमियाकॉन अराउंड 40 किलोमीटर है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोग भाई बाहर ही खड़े थे, इन लोग बिना खड़े नहीं थे भाई, खड़ाया गया था बाहर, खड़ा करवाया गया था। बिना पैसे लिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं। सही है, एग्री करो तो अंदर आओ, एग्री नहीं करो बाहर आओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। जाओ, कोई फर्क हम लोग के, हम लोग कुछ खाए नहीं, सुबह से हाथ जम रहे हैं, पैर जम रहे हैं, बुरे हाल हो गए हैं। फिर कोई तरह चलो हम लोग मैनेज किया, हम लोग यहाँ पहुंचे, 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम लोग कल ओमियाकॉन जाएंगे यहाँ से टैक्सी लेके। तो हम लोग यहाँ अभी तोमतोर में रुक रहे हैं, हम दोनों भाई साथ में रुक रहे हैं। ओमियाकॉन के बाद आप निकल रहे हो याकूस, ये मैं निकल जाऊंगा याकूस, ये भाई चले जाएंगे मगधा। और ये एरिया ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है तो फ्रीक्वेंट टैक्सी भी नहीं चलती है। अब इनकी टैक्सी याकूस के लिए 2 दिन के बाद है, यहाँ पे 1 दिन रुकना मोर देन इनफ है। अब ना चाहते हुए भी मेरे को यहाँ पे 3 दिन रुकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी टैक्सी उसने ले रहा है कि 3 दिन के बाद है। क्या बोल रही है, वाईफाई वर्क्स बट समटाइम्स ड्रॉप्स आउट। या माय वाईफाई नियत नो वर्क। ओके 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 ओके। पासवर्ड 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 वाईफाई पासवर्ड। कनेक्ट करो लेकिन चल नहीं रहा, मैंने कनेक्ट किया अभी यार। यहाँ पे यार फोन का नेटवर्क भी उतना अच्छा नहीं है, 2G 3G ऐसे ही आ रहा है। वाईफाई है लेकिन चल नहीं रहा है, बोल रहे बाद में चलेगा, आई डोंट नो। एक्चुअली ये पूरा ओमियाकॉन डिस्ट्रिक्ट है, तो ओमियाकॉन डिस्ट्रिक्ट में तो ये भी आता है। अब उसमें एक ओमियाकॉन विलेज अलग है, तोमतोर विलेज अलग है। पोल ऑफ कोल्ड तोमतोर का भी है और पोल ऑफ कोल्ड ओमियाकॉन का भी है। यहाँ पे काफी सारे लोगों से पूछने के बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत देख के आना पड़ता है। टैक्सी वाले को ना क्लियरली बोलना होता है कि ओमियाकॉन छोड़ो, नहीं तो फिर वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि होटल से कनेक्टेड होते हैं वो लोग, उनको कमीशन मिलता है। लड़ाई हो गई थी हमारी, टैक्सी वाले ने यहाँ ड्रॉप नहीं किया, दूसरे कैश ऑन ड्रॉप किया। वो तो भाई बोल रहा बाहर निकलो, रुकने अंदर नहीं घुसने देंगे, एक तरीके की लड़ाई हो गई। इतना रूड था वो, इतना रूड इंसान अभी तक मैंने रशिया में नहीं देखा। तो यहाँ पर दूसरा गेस्ट हाउस आया, पास में ही है। तुमतोर विलेज में कई गेस्ट हाउस हैं, ओमियाकॉन विलेज में भी कई गेस्ट हाउस हैं, तो कहीं भी रुक सकते हो। ओमियाकॉन और कॉस्टली है, ओमियाकॉन में रुकने का एक रात का मांग चलो 3,000 से 4,000 रुपए लगना है। मेरा सुना 5,000 के नीचे नहीं मिलता है। और यहाँ पे रुकने का तुमतोर में 1,500 रुपए लग रहा है बिना खाने, विथ फूड 3,500 रुपए। सामान काफी खाने पीने का लेके आए हैं, खाते हैं, अगर नहीं होगा तो फूड ले भी लेंगे। खेलो भाई, तुम्हारे खेलने की चीज लग रही है। बाबुष्का कहाँ गई यार? बाबुष्का, हेलो बाबुष्का, बाबुष्का नहीं है, पूछना। ये हमारे गेस्ट हाउस के जो ओनर हैं जावूद अलेक्सेंडर, अलेक्सेंडर 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 है। इनके इनकी जो मम्मी है सुसान 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 सुसान, हाँ। तो इनकी मम्मी के नाम पे गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस का नाम है सुसान गेस्ट हाउस। एंड डॉटर, तो इनकी डॉटर है जावूद दियाना सुसान बाबुष्का। यस, हाँ। तो ये इनकी डॉटर है, इनकी बाबुष्का यानी कि इनकी ग्रैंड मदर, रशियन ग्रैंड मदर सुसान है। ओके ओके, खराशो खराशो। तो गेस्ट हाउस यार काफी सही लग रहा है, वाईफाई भी है और लो उतना चल नहीं रहा है। फोटो फोटो अंग्लिश की गवारित नियत, अंग्लिश की गवारित नियत। चुचुत You go school, university? University. University. What course?
What do you study? Two. Second year? Yes. Okay. Which course? Course. What do you study here? इन लोग यहाँ के local हैं तुम तोर के ओमिया कौन सी विलेज ओमिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट के What do you study? You studying physical education. Okay. Kharasho. Second year. Dobre utro. Kharasho. तो भाई बाबुष्का इनकी मदर सागर पब्लिक मे भी शायद पूरे रशिया में कल्चर होगा चाहे जितनी ठंड हो अगर आप लोगों को दूसरों से हाथ मिलाना है ना तो ग्लव्स उतार कर ही हाथ मिलाना पड़ेगा हैंडशेक करना पड़ेगा बिना ग्लव्स उतारे हैंडशेक करोगे तो भाई रूड माना जाता है लोग बुरा भी मान सकते हैं अभी सुबह के अराउंड 10:30 बज रहे हैं टेम्परेचर हो रहा है कल दिन भर का टेम्परेचर था अराउंड -53-54 के अराउंड था और रात का टेम्परेचर था -60 इतना कम अभी तक का मेरी लाइफ का लोवेस्ट टेम्परेचर -60 इतना ना मंगोलिया में गया ना ही याकूस में गया ओके तो ये भाई ये देखो यहाँ पे फिजिकल टेम्परेचर जो ये दिखा रहे हैं इतने दिन का टेम्परेचर क्या है इसमें कितना दिखा रहा है -51-52 दिखा रहा है ये देखो -51-52 के आसपास -50 तो ये देखो दो अलग अलग टेम्परेचर है एक इसमें ये देखो आई डोंट नो कैमरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है -52-53 कुछ ऐसा है तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड है भाई अभी हम लोग तोमतोर विलेज में है बहुत छोटा सा विलेज है ओमियाकॉन विलेज के पास इस विलेज की पॉपुलेशन है अराउंड 1000 1000 लोग लगभग इस विलेज में रहते हैं ओ भाई ये देखो ये कनिस्टर है कैंप जो भी बोलो उसके ऊपर पूरी बर्फ की ये रखा हुआ है बर्फ की शीट या क्यूब जो भी बोलो इसको ही गला के पानी बना रहे हैं इसको ही गला के पानी पी रहे हैं तो हम लोग जो यहाँ पानी पी रहे हैं ना ये बर्फ गला कर ही पी रहे हैं वैसे वहाँ पे कि यहाँ पर कोई नेचुरल वाटर सोर्स मेरे को दिखा नहीं है अभी तक तो अपनी कार है ओके दवाए दवाए ये देखो गेस्ट हाउस का नाम है सुसान गेस्ट हाउस ये फोन नंबर है आप लोग देख सकते हो जहाँ लोग रुके हैं रहने से ज्यादा यहाँ पे खाना महंगा क्योंकि हम लोग वर्ल्ड की बहुत ही एक्सट्रीम बहुत ही रिमोट लोकेशन पे है ओके ओके तो भाई हमारे जो गेस्ट हाउस के ओनर जबरदस्ती या जल्दीबाजी है गाड़ी में बैठा दिया है क्या बोल रहे हैं गाड़ी फ्रीज हो जाएगी कुछ भी बोल रहे हैं एक्चुअली बात तो सही बोल रहे हैं फ्रीज तो हो जाती है पर गाड़ी चला के रखने से कोई फ्रीज नहीं होता हाँ गाड़ी बंद कर दो तो फ्रीज हो जाती है गाड़ी बंद कर दो तो आधे घंटे 45 मिनट इतना नहीं लोग बताए 1-2 घंटे अच्छा 1-2 घंटे में फ्रीज हो जाएगी तो जल्दी आए हुए हैं ये कि भाई जल्दी को जल्दी करो गाड़ी फ्रीज हो जाएगी यहाँ से ओमियाकॉन 40 किलोमीटर लगभग 1 घंटे लगेंगे ओमियाकॉन जाने में अभी हम लोग ओमियाकॉन डिस्ट्रिक्ट में है ओमियाकॉन डिस्ट्रिक्ट का जो वेदर स्टेशन है वो तोमतोर में है अच्छा यानी ओमियाकॉन का भी टेम्परेचर ऑफिशियल टेम्परेचर यहाँ से मेजर किया जाता है जहाँ पर अभी हम लोग हैं तोमतोर में सो गाइस ये देखो इनके ये डिस्प्ले में अंदर का टेम्परेचर आ रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का है -53 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अंदर और बाहर में 80 भी नहीं 85 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है कार के अंदर में कार की बाहर में ओ माय गॉड नेक्स्ट लेवल है भाई पागल क्या 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 चीज है ये नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल पूरा दुनिया के ऐसे जगह पे है जहाँ पहुंचना ही कितना इतना मुश्किल है यहाँ का वेदर छिलना तो नेक्स्ट लेवल चीज है सही बात है पूरा रास्ता सिर्फ बर्फ ही बर्फ है बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं जहाँ भी नजर जाएगी दूर 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 तक इनफाइनाइट किलोमीटर तक बर्फ के अलावा कुछ और नजर आएगा ही नहीं सिर्फ वाइट लैंडस्केप पूरा लाइक अ फेरी टेल है सफेद फेरी टेल ड्रीम लैंड -71.2 वर्ल्ड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस क्रेजी भाई क्रेजी नेक्स्ट लेवल थिंग तो गाइस हम लोग तोमतोर विलेज से 40 किलोमीटर और 1 घंटे ड्राइव करके पहुंच चुके हैं कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ जी हाँ पूरी दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां लोग रहते हैं दुनिया में इससे ठंडी जगह भी है लेकिन वहां लोग नहीं रहते फाइनली वेलकम टू ओमियाकॉन नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड ओमियाकॉन का रिकॉर्डेड लोवेस्ट टेम्परेचर है -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड देखो ऊपर लिखा भी हुआ है ओमियाकॉन पोल ऑफ कोल्ड रशियन लैंग्वेज में पोल ऑफ कोल्ड इंग्लिश में ऊपर टेम्परेचर भी है -71.2 डिग्री सेंटीग्रेड
और ये देखो ये मैमथ जहाँ पाए जाते हैं साइबेरिया में, वुली मैमथ, उसका स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंट हो चुके हैं। यहाँ पे जो हाथी पाए जाते थे साइबेरिया वाले। अच्छा हाथी का ये? हाँ। और यहाँ की सीट्स देखो, ये सीट्स यहाँ बनी हुई वुडन बेंच है, लग रहा है हमसे पहले यहाँ पर कोई आया नहीं काफी टाइम से, काफी हफ्तों से, काफी महीनों से, पूरी बर्फ जम चुकी है। देखो ओह भाई ये देखो पूरा हाथ से भी ज्यादा मोटी से बर्फ लेयर है। ओहो ऐसा लग रहा है केक को मिठास कर रहा हूँ। देखो ओ भाई साहब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ओमेकॉन में हूँ। यहाँ आने के लिए यार कितनी सारी फ्लाइट लेनी पड़ी, कितना सारा रोड में ट्रेवल करना पड़ा यार, कितने घंटों, बाप रे बाप। इतनी ज्यादा ठंडे का बिलीव नहीं करोगे यार, पूरा हाथ मुझ सब कुछ जम रहा है। लेकिन एक तरीके का अलग सा एक्साइटमेंट भी है कि पता है भाई एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, दोबारा जल्दी आने वाले भी नहीं है और धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। ओमेकॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम लोकेशन है, याकुस से भी काफी ज्यादा यहाँ पे ठंड है भाई, बहुत ज्यादा। ये पूरा ओमेकॉन विलेज है, एक ये रूरल लोकेलिटी है, पूरा गांव है ये। ओमेकॉन विलेज की पॉपुलेशन अराउंड 500 है, तुमतोर की 1000 है, यहाँ की 500 है, सिर्फ 500 लोग इस गांव में रहते हैं। ओमेकॉन वर्ल्ड ओमेकॉन रिवर से आया जहाँ पर ओमेकॉन विलेज लोकेटेड है, और ओमेकॉन एक एवन वर्ड है, एवन लैंग्वेज है, साखर रिपब्लिक की रीजनल लैंग्वेज है। और एवन लैंग्वेज में ओमेकॉन का मतलब होता है पैच ऑफ अनफ्रोजन वाटर जहाँ पर फिश रहती हैं। तो यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है जिसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव टेम्परेचर में भी वहाँ का पानी जमता नहीं है और फिश वहाँ तैरती रहती है, तो उसके नाम पे ही यहाँ का नाम पड़ा है ओमेकॉन। ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी में ओमेकॉन में टेम्परेचर ज़्यादातर दिन -50 के नीचे रहता है। और ओमेकॉन विलेज में यहाँ पर छोटे स्कूल भी हैं और -55 डिग्री तक स्कूल खुला रहता है। जब टेम्परेचर -55 डिग्री के नीचे गिरता है तब जाके यहाँ के स्कूल बंद होते हैं। अभी के टाइम पे अलेक्जेंडर बता रहे हैं रशियन एप्लीकेशन में ओमेकॉन का टेम्परेचर दिखा रहा -60, इतना कम। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी मैं -60 के नीचे जाने वाला हूँ। -60 बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम होता है भाई। इंडिया में तो यार 6 डिग्री में ही हालत खराब हो जाती है, लोग कांपने लगते हैं। -60 है, मतलब कि अगर मैं ग्लव्स से बाहर हाथ भी निकालूंगा ना तो 2-4-5 सेकंड में हाथ फ्रीज हो जाएगा। ओमेकॉन में बोला जाता है कि विंटर्स में यहाँ पर साइलेंट और ब्यूटी एंडलेस होती है, इनफाइनाइट आपको यहाँ पे ब्यूटी दिखेगी, बर्फ भी, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है यहाँ पे और कुछ नहीं है, कोई भी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, इंसान तो दूर, ना कोई जानवर, ना कोई चिड़िया की आवाज है इस जगह पे। ओमेकॉन का जो टेम्परेचर है ये है सब आर्टिक टेम्परेचर या फिर सब पोलर टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। और सब आर्टिक टेम्परेचर में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, विंटर बहुत लॉन्ग होती है, बहुत डार्क होती है और डे लाइट बहुत कम। ओमेकॉन का इतना ठंडा होने का रीजन, कई रीजन मिल के इतनी ठंडी जगह बनी है। पहला रीजन तो सब आर्टिक टेम्परेचर हो गया, दूसरा रीजन ओमेकॉन सी लेवल से 1000 मीटर अबव है, ऊपर है, 1000 मीटर लगभग 1 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है। उसके अलावा यहाँ के आसपास ना काफ़ी ठंडी हवा इकट्ठी होती है जो कि यहाँ पर ऐसा ब्लैंकेट का काम करती है, उस वजह से दुनिया की सबसे ठंडी रहने वाली जगह है ओमेकॉन। ओमेकॉन की जो पॉपुलेशन है 500 और उसके आसपास, इन लोग की इकोनमी, यहाँ की लोकल इकोनमी आइस फिशिंग और फर ट्रेडिंग पे टिकी हुई है। आप लोग देख सकते हो पूरी यहाँ बर्फ जम चुकी है, फारेनहाइट में -96.2 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर यहाँ का लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ है। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ लोकल लोगों की जो लाइफ है बहुत ही नॉर्मल है, सेम एस याकुस, सेम एस तोमतोर, सेम एस मंगोलिया। यहाँ का ग्राउंड भी कम्प्लीटली परमानेंटली परमा फ्रॉस्ट है, यानी कि इसके नीचे, ग्राउंड के नीचे पूरे साल 12 महीने बर्फ जमी रहती है। ओमेकॉन भी परमा फ्रॉस्ट पे लोकेटेड है। हाँ जी क्या हुआ, आओ बहुत ठंडा है, देख लो कितनी मोटी यहाँ पे बर्फ की लेयर है नीचे जमीन पे, घुटनों के थोड़े नीचे तक पैर नीचे चला जा रहा है, बर्फ के अंदर चला जा रहा है पैर, ये देखो भाई बहुत ठंडा हाथ जम गया यार। मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन निकाला भाई यार, कुछ सेकंड्स के लिए, हाथ इतनी तेज पेन कर रहा है कि भाई हालत ख़राब है। यहाँ पर हम लोग को फोटो खिंचा रही है यार, पूरा लोग जम चुके हैं, अब कार के अंदर थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट ले ले तो गर्म हो जाए, फिर आते हैं बाहर फोटो खिंचाने। यार बहुत ज़्यादा ठंड है, -60 डिग्री भाई पूरा फ्रीज हो चुके हैं भाई। भाई यार भाई दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह पे है। मजाक नहीं भाई, -60 डिग्री प्रेजेंट टाइम पे मजाक नहीं, सही बात है।
सो गाइस ये देखो साइबेरिया में साइबेरियन डॉग, ये पालतू है, कैसा है? कैसा है पता नहीं, बड़ा फ्रेंडली लग रहा। अरे 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 ये देखो यहाँ पे तीन फ्लैग लगे हुए हैं, एक रशिया का है, एक साखर रिपब्लिक का है और एक मोस्ट प्रोबेबली ओमेकॉन्स की डिस्ट्रिक्ट का फ्लैग है ये वाला। यहाँ के सारे घर वुडन है, लकड़ी के बने हैं। घर के अंदर चलते हैं, यहाँ के लोकल घर ओमेकॉन के। तो देखो कोई ये दफ्तर है, कोई ऑफिस है। प्रीवियस दस्तावेज कदिला ब्लैक वॉश तो नहीं कर सकते। खराशो इंडिया दा 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 इंडिया। बाहर इतनी ठंड है कि घर के आते ही विद इन फ्यू नैनो सेकेंड मिली सेकेंड पूरा ग्लास पूरा लेंस फॉगी हो चुका है। हेलो प्रीवियत, तो यहाँ पे लोकल ऑफिस है ये ओमेकॉन का ऑफिस है, ऑफिस दा। यहाँ पर हम लोग आए हैं पोल ऑफ कोल्ड का सर्टिफिकेट लेने, तो जो लोग भी यहाँ पर आते हैं पोल ऑफ कोल्ड में ओमेकॉन में अपना प्रेजेंस को दर्ज करने के लिए इतिहास में हिस्ट्री में सर्टिफिकेट लेते हैं। भाई लग रहा है जन्म जीत गया भाई। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं भाई सर्टिफिकेट लेने, पासपोर्ट वो फोन में दिखा दूँ ना, यहाँ पर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। ये देखो, तो ये देखो ये रिकॉर्ड बुक है ओमेकॉन की, जहाँ पर जो जो यहाँ विजिट किए हैं सबका नाम यहाँ पे दर्ज है हिस्ट्री में इतिहास में ओमेकॉन के। हाउ मेनी इंडियन तो अभी मेरा सर्टिफिकेट बन रहा है, मैंने अपना पासपोर्ट कॉपी दे दी, अपने फोन में ही दे दिया है। देखो भाई मेरा नाम दर्ज हो चुका है, तोरवशु जायसवाल, सुनहरे शब्दों में। क्या बात है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। का वूत लीलिया लीलिया ओमेकॉन ओमेकॉन रेसिडेंट है यहाँ की। यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर देखो भाई, मटेरियल देखो, लकड़ी और फोम से बना हुआ है ओमेकॉन का। काफ़ी सारे यहाँ पे वुड्स रखी हुई हैं क्योंकि ओमेकॉन परमा फ्रॉस्ट पर लोकेटेड है, तो घर के अंदर यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन नहीं गई है। यहाँ पे सारे टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ घर के बाहर है। इवन यहाँ पर जो ऑफिस था ये ऑफिस के अंदर भी कोई टॉयलेट नहीं है, तो यहाँ टॉयलेट करना है कहीं पास के बाहर वाले वॉशरूम में टॉयलेट में जाना पड़ रहा है। यहीं कहीं होगा बाहर, पता नहीं, देखते हैं। टॉयलेट ओके, देखो इस पूरे कम्युनिटी का ही टॉयलेट है जो कि घर के बाहर है, और भी होंगे। देखो उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, ये है सारे टॉयलेट यहाँ घर के बाहर है। ओके देखो यहाँ का टॉयलेट है, यही करना पड़ेगा जो करना है जो भी कार्यक्रम। पिट टॉयलेट है सब कुछ करने के लिए। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा टूरिस्ट ओमेकॉन में नहीं दिखा। ये कुत्ता देखो भाई दौड़ गया है इतनी तेज से, कोई कौन आ गया, जैकाल आ गया, फॉक्स आ गया, साइबेरियन ना ये साइबेरियन, साइबेरियन हस्की है भाई। अरे बोरे जाओ भाई इसके पास जाओ, ये देखो ब्लैक ब्लैक दोनों ब्लैक ब्लैक। सो गाइस वापस हम लोग ओमेकॉन से तोमतोर आ चुके हैं और लग रही बहुत तेज भूख, तो याकूस से काफी सामान लाया है, उसमें से एक ये भी है, एक नूडल्स है, ये वेजी नूडल सूप है, कोरिया का बना हुआ है विद मशरूम और कुछ वेजीज हैं। और ये देखो ये पोतैता कुछ ऐसा है, पोतैता इसका कुछ ऐसा लिखा रहता है, लास्ट टाइम मैं इसको खाया था रशिया आया था। ये आलू है, आलू का ये मैश पोटैटो का ये ड्राई फॉर्म है, बस में हॉट वाटर मिलाओ तो इतना मैश पोटैटो बन जाता है। इसके अलावा ये चाय पी रहा हूँ और ये तो हम लोग कल भी खाए थे, ब्रेड है, चीज़ है, बाकी काफ़ी सारे लोग स्नैक्स भी लेके आए हुए हैं। हाँ हम तो पूरा इंतजाम करके आए भाई, ये तो भाई कल निकल जाएंगे विष्णु भाई, मैं परसों निकलूँगा इनकेस अगर प्रॉब्लम आएगा तो इनका मैं खाना लूँगा परसों। तो ऐसे ही काम चला रहे हैं यहाँ भाई, सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात है। सही बात है कि नहीं, इस जगह पे एक्सट्रीम लोकेशन पे रिमोट लोकेशन पे मुझे पता नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे खाना चाहिए तो यही होटल वाले देंगे, यही देंगे, जितना प्राइस मांगा उतना ही। बनाते हैं बना के देते हैं, कोई कैफे रेस्टोरेंट यहाँ नहीं, गाँव है, गाँव में। तो अपना ये वेजी सूपी नूडल तैयार मेड इन कोरिया कुछ ऐसा है।